आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। आप जिस तरह के आपको मालूम है कि आज का जो हमारा ये रिक्विजिट इजलास है, इसमें बुनियादी जो नुक्ता है वो बलूचिस्तान में जो आने वाला बजट है जून के महीने में, इसको प्री बजट डिस्कशन के हवाले से है। एक तो ये है कि बलूचिस्तान में जो आने वाला बजट है उसकी कोई आइनी हैसियत ओ ना हो, अलबत्ता उसकी अखलाकी हैसियत अभी से सवालिया निशान बन गया है। जनाब स्पीकर, अगर आपके सामने आपके अपने ही रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स, हमारा जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस 1974 अगर आपके सामने पड़ा है, तो आप तकलीफ करके ज़रा उसका सफ़ा नंबर 54 खोल लें। उसके सफ़ा नंबर 54 पे ये लिखा हुआ है प्री बजट डिस्कशन, यानी बजट से पहले इस ईवान में माचे खामोशी, उसमें ये है कि मैं यही बात कर रहा था कि अगर इस बजट की कोई आइनी हैसियत ओ ना हो, लेकिन इस बजट की कोई इखलाकी हैसियत नहीं होगी, इस बजट की कोई जो अवामी हैसियत है वो नहीं होगी, क्योंकि अवाम का मुंतखब इदारा या अवाम के मुंतखब नुमाइंदों पर मुश्तमिल इदारा बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली है, और बलूचिस्तान के सूबाई असम्बली में हमसे पहले जनाब वाला यहाँ पर कुछ रूल्स ऑफ बिजनेस यानी कवायद व जवाबित तश्कील दिए गए हैं। उन कवायद व जवाबित में एक जो है 115A है, मैं उसका सिर्फ दो तीन चीज़ें पढ़ूंगा ताकि हमारे अवाम को भी ये पता चले कि क्यों बजट जो है ऐसी जगह पर जेर बहस नहीं लाया जाता। अगर कोई बजट अवामी बजट बनानी हो, अगर कोई अवाम के मुफाद में बजट बनाना है, अवाम को तकलीफ और मुश्किलात से निकालने वाली बजट बनानी है, अगर अवाम को पानी की स्कीमात फराम करनी है, अगर अवाम को जो है बिजली के मसाइल से निजात दिलाना है, अगर अवाम के बच्चों को अच्छी तालीम फराम करनी है, अगर अवाम के मरीजों को बर वक्त अद्वियात फराम करनी है, अगर अवाम के जो है शहजादों को सड़कों पर हादसात से बचाना है, अगर अवाम के शहजादों को इस तरह के जुर्म और जराइम से बचाना है, तो जनाबे वाला उसके लिए ये है कि जब भी कोई बहुत बड़ा फैसला होता है उसके लिए डिस्कशंस होती हैं, कंसल्टेशंस होता है, और फिर उसको मेरी ख्वाहिश पे अगर वो ना करते, लेकिन कम से कम ये जनाबे वाला कवायद और जवाबित में, मैं सिर्फ उन तमाम इदारों के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि असेंबली की वक्त को मसलन या तो ये है कि जानबूझकर किया जा रहा है या किसी को इसका इलम नहीं है, या ये है कि ये हुकूमत समझती है कि जनाबे वाला ये कवायद और जवाबित आहीन कवानीन मुंतखब नुमाइंदों की कोई हैसियत ही नहीं है। ये तीन साल हमने गुजार लिए जोर जबरदस्ती करके, अच्छा बुरा करके, बलोचिस्तान को दकियानुसी पत्थर के जमाने में धकेल के हमने अच्छा काम किया है, और आने वाले दो साल में भी बलोचिस्तान को एक गहरी काई में गिरा देंगे। तो जनाबे वाला आप देख लें, ये जो रूल मैं पढ़ रहा हूं 115A, नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेंट इन दीज रूल्स, द मिनिस्टर फॉर लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स इन कंसल्टेशन विद द फाइनेंस मिनिस्टर, मेरे छोटे भाई जहूर साहब के साथ, शल इंक्लूड इन द लिस्ट ऑफ बिजनेस द जनरल डिस्कशन सीकिंग प्रपोजल्स, सीकिंग प्रपोजल्स, यानी जो पार्लिमानी अफेयर का मिनिस्टर होगा वो फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मिलकर असेंबली का बजट से पहले, मीजानिया से पहले एक अजलास मुनक्कद करेगा, और उस मुनक्कदा अजलास में प्रपोजल्स यानी तजावीज ली जाएंगी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द नेक्स्ट बजट इन नेक्स्ट सेशन ऑफ द असेंबली which is to be held during the months of February to April each year, yani February se lekar April tak is amal mein janabe wala yahan par ek pre budget discussion honi chahiye thi, us pre budget discussion mein ye baat honi chahiye thi ki balochistan ki takaleef kya hain, balochistan ke mushkilat kya hain, बलोचिस्तान को एक अवाम दोस्त बजट दिया कैसे जा सकता है। ये अरबों करबों की बातें यहां पर जो फैंसी ड्राइंग रूम्स में, खूबसूरत कमरों में, हालों में, बड़े बड़े सेक्रेटरीज में जो किए जाते हैं, ये पैसा कैसे अवाम की जिंदगी में खुशियां ले आएगा, ये पैसा अवाम की जिंदगी में खूबसूरती लाएगा, अवाम की जिंदगी में तालीम ले आएगा, अवाम की जिंदगी में रोजगार ले आएगा, अवाम की जिंदगी में सेहत की सहूलियात ले आएगा, अवाम के बच्चों को महफूज सड़कें फराम करेगा, जमींदारों को बर वक्त बिजली फराम करेगा। ये जनाबे वाला इसीलिए ये रूल रख दिया गया कि आप जून में बजट पेश करने से पहले फरवरी से अप्रैल तक ये करेंगे। इसमें सारी डिटेल्स दी गई हैं। फिर उसके बाद
जब वो प्रपोजल्स आप लेंगे उसी की बेसिस पर आप जाके अपना बजट डॉक्यूमेंट बनाना शुरू कर देंगे और फिर आप जून में जो है अपना बजट लाके यहां पेश कर देंगे और उसमें कम से कम इस असेंबली की जो सारी मशावरत, इस असेंबली के जो सारे दोस्तों से ली गई तजावीज है उसमें शामिल की जाएंगी। लेकिन जनाबे वाला, बदकिस्मती से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं कल परसों देख रहा था, मेरे एक मोहतरम दोस्त जऊर साहब ने एक तकरीबन कल परसों ही एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में वो समझते हैं शायद अब किसी को भी अंग्रेजी नहीं आती, लोग पढ़ते नहीं हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि बजट बहुत ही अवामी किस्म का, अवाम दोस्त किस्म का, हवाम को चांद पर ले जाने वाला, मरीख तक पहुंचाने वाला, हवाम की गलियों और घरों में जो है रोशनी लाने वाला, हवाम की बच्चों को तालीम दिलाने वाला, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने वाला, मनुष्यात का खात्मा करने वाला, बलोचिस्तान को जन्नत नज़ीर बनाने वाला एक बजट जो है उसकी तैयारियां बहुत जोर शोर से मुकम्मल है। ये बैंड बाजे बजने चाहिए। और उसमें लिखा क्या गया है जनाबे वाला, मेरे जो दोस्त ने अपने ट्वीट में एक डॉक्यूमेंट है ये अटैच किया था, मैंने वही डॉक्यूमेंट जो है वहां से प्रिंट करके निकाला है। इसमें कोई एग्जेजुरेशन नहीं, कोई तब्दीली नहीं की, वो ट्वीट अभी भी कल के उनके रिकॉर्ड पर मौजूद होगा। नंबर वन उन्होंने लिखा है इश्यूएंस ऑफ बजट कॉल सर्कुलर 2021-22 कि जनाबे वाला 2022 और 21 का जो है बजट काल सर्कुलर हमने नवंबर में जारी कर दिया है, हमें किसी ने नहीं देखा, मुंतखब नुमाइंदे हैं। मसलन अगर आप एक मुंतखब नुमाइंदे को बजट कॉल की कॉपी नहीं भेजते कि जनाबे वाला बजट कॉल यानी बजट की तश्कील और तदवीन के हवाले से, तजावीज के हवाले से जो है हमने सारे मोहकमों को, इदारों को एक खत भेज दिया है, क्या ये लाखों लोगों के मुंतखब नुमाइंदे, बलोचिस्तान के ये 63-64 मुंतखब नुमाइंदों को इतनी आजादी और इतना इख्तियार नहीं है या इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि आपके कागज का पुर्जा जो है उनको कॉपी करके नहीं बेच सकते कि बलोचिस्तान की तदवीन और तदवीन बजट क्यों हुई है? और ये आपके हाईकोर्ट के ऑर्डर में हुआ था। उसके बाद जनाबे वाला दूसरा ही नुकता उनके इसी ट्वीट में, उसमें डॉक्यूमेंट जो लगा हुआ था उसमें लिखा हुआ है, जनाब स्पीकर साहब आप जरा गौर से सुनिएगा, प्री बजट सेमिनार्स विद MPAs अदर स्टेक होल्डर्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स, यानी हमने जो है MPAs स्टेक होल्डर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के साथ हमने मुशावरत करनी थी। अब इसके आगे क्या लिखते हैं, नवंबर से जनवरी के दरमियान क्या हुआ, नॉट एल ड्यू टू COVID-19। ये बदनीयती सिर्फ एक दूसरे में ही वाजे आ जाता है कि नवंबर और जनवरी के दरमियान तो कोरोना की ना तो दूसरी लहर थी ना ही तीसरी लहर थी, ये स्टेक होल्डर कंसल्टेशन MPAs के साथ मुशावरत या आप एडमिनिस्ट्रेशन में मुशावरत या बलोचिस्तान के गरीब अवाम के साथ मुशावरत, आप सना बलोच से आपको नफरत है, आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, आप मेरी खुशी और खुशहाली नहीं देख सकते, आप मुझे मेरे लागों में नाकाम करवाना चाहते हैं, लेकिन खरान के 1,07,000 की आबादी जो 2017 में दी गई है उनकी इज्जत की खातिर, उनकी तालीम की खातिर, उनके रोजगार की खातिर, उनकी खुशहाली की खातिर तो कम से कम आप चले जाते डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर के ऑफिस में बैठकर एक प्री बजट एडमिनिस्ट्रेटिव सेशन कर लेते, जो खराम की आवाम के कहते, जो सड़क वो बोलते, जो पानी की स्कीम वो मांगते, जिन स्कूल की मुरम्मत वो मांगते, जो दक्यानुसी स्कीमें वहां पर खराब पड़ी है उनकी बहाली की बात करते, आप वही स्कीमें शामिल करते, आप मुझे छोड़ देते। लेकिन जनाबे वाला क्या लिखा गया है, जनाबे स्पीकर इसका नोटिस आपको, आप यू आर द कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस, कि जनाबे वाला MPOs के साथ गपशप और बातचीत इसलिए नहीं हो सकी कि कोरोना का बहुत बड़ा मर्ज वबा जो है वो बिल्कुल हमारे दरमियान में आड़े आया था, हम 2 MPAs 4 MPAs 60-64 MPAs को बिठा नहीं सकते थे। लेकिन जनाबे स्पीकर आपको याद होगा कि नवंबर और जनवरी के दरमियान इस असेंबली के 3-4 नशिस्तें हुई हैं, उस दिन तो कोरोना नजर नहीं आया, लेकिन बलोचिस्तान के 450 अरब रुपए बंदरबाट की बात आती है तो उस दिन आप कोरोना बेचारे को ले आते हैं अपने लिए जो है उसको एक एक्सक्यूज बना लेते हैं, आप कोरोना को जो है अपने लिए एक बहाना बना देते हैं कि जनाबे वाला हम कोरोना की वजह से मलिक सिकंदर साहब के साथ बात नहीं कर सके। भाई उसकी जेब में कोई कोरोना है, उसके हाथों में कोरोना है, उसकी गाड़ी में कोरोना है, या आपको बताया गया था कि अपोजिशन वालों के साथ सबको कोरोना लग गया है लिहाजा आपने असेंबली के मेंबरान के साथ बातचीत नहीं करनी है, मुशावरत नहीं करनी, आप कैबिनेट का इजलास कर सकते हैं MPAs के साथ डिविजनल सतह की कंसल्टेशन नहीं कर सकते थे 6-6 के साथ, ये जनाबे वाला ये उनकी ट्वीट का हिस्सा है।
फिर उसके बाद तफसील के साथ वो आते हैं, मीटिंग्स विद ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एंड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल सेक्टर एंड डिस्कशन ऑन रिवाइज्ड रेवेन्यू टारगेट ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर. एक वीक फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी मीटिंग्स हेल्ड विद रिलेवेंट डिपार्टमेंट्स, जस्ट सिंपली मीटिंग्स हेल्ड विद रिलेवेंट डिपार्टमेंट्स. बलोचिस्तान में जितनी मीटिंग्स हुई हैं, मैं आपको अल्फिया कहूंगा, 3 सालों में बलोचिस्तान में जितनी मीटिंग हुई हैं, बलोचिस्तान की 70 साल की तारीख में इतनी मीटिंगें नहीं हुई हैं. मीटिंगों से अंडे तो नहीं निकलते, मीटिंगों से जनाबे वाला आप जहाज नहीं उड़ा सकते, मीटिंगों से आप लोगों के घर में रोशनी नहीं ला सकते, मीटिंगों से आप सड़कों पर हादसात को नहीं रोक सकते. एक चीज होती है, उसको कहते हैं अमल दरामद, इंप्लीमेंटेशन, नेक नियति, अवाम के साथ जुड़ना. आपने अवाम के साथ अपने आप को दूर रखे, कहा है कि हमने सैकड़ों मीटिंगें की. मीटिंगों का नतीजा क्या निकला है, मैं अभी आपके तरफ आता हूं, नतीज की तरफ भी जनाबे वाला. फिर उन्होंने जब जहूर साहब ने इसमें बात की है, उस फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मेरे छोटे भाई हैं, सद एहतराम के साथ उनका नाम लेता हूं, लेकिन उनके बहुत जिम्मेदार ओहदे पे बैठे हुए हैं. अभी कहते हैं कि जी अवाम दोस्त बजट बनाने की तैयारियां जोरों सुबह. 3 साल के जो आपने अवाम दोस्त बजट बनाए, मैं अल्फिया कहता हूं, जब प्री बजट डिस्कशंस होती हैं तो उसमें यही बताया जाता है, जब कोई बाप अपने बेटे को घर से बाहर भेजता है सौदा देने के लिए 10 रुपए दे के, वापसी पे वो तेले में कुछ थोड़ा सा घी, थोड़ी सी शक्कर, थोड़ी सी मिर्च मसाले ले आता है, उसको कहते हैं रिजल्ट, नतीजा. 3 साल से 450 अरब, 450 अरब, 450 अरब, 1000 अरब रुपए आपकी हुकूमत ने खर्च किए हैं. अबे कम से कम हमारे भाई की हैसियत से उसका नजर तो बता दो, उसका नतीजा तो दिखाओ कि आपने बलोचिस्तान में तालीम की शरा, गिरती हुई शरा, जवाल पजीर शरा, अफगानिस्तान से भी गिरती हुई ज्यादा शरा, सोमालिया से ज्यादा तालीम की गिरती हुई शरा को आपने 300 सालों में 1500 अरब रुपए लगा के, वो आप 36% था, आप 40 पे ले गए, इवन 4% 2% भी आपने उसकी इंक्रीज किए. लाए किसी को जनाबे वाला, उसका नतीजा दिखाएं, उसको कहते हैं आउटकम. हमने आपको आउटपुट दिया था, आपने अगर पैसे की सूरत में इनपुट लगाया, आउटकम और नतीजा हमें जरा दिखा दें कि आपने तारीफ. आप हमें बता दें कि 12,000 कैंसर के पेशेंट्स थे, 3 साल में 1500 अरब रुपए में हमने जो है कैंसर की मद में, हेल्थ की मद में इतना लगाया, हमने जो है यरखान के मरीजों की तादाद कम कर दी, हमने कैंसर की मरीजों की तादाद कम कर दी, हमने जो है जिगर की मरीजों की तादाद कम कर दी, हमने गुर्दे की मरीजों की तादाद कम कर दी, हमने अस्पतालों में अद्वियात फराहम कर दी. ये असेंबली फोरम होता है अपने नतीज दिखाने के लिए. अपना सर फखर से बुलंद करें, सर पर पगड़ी बांधे, बाहर दौल और दमामे करें, शादियाने बजाएं, छावनी से जो है बैंड बाजे भी मंगवा के इधर बजाएं, और लोगों को बताएं कि आपने 3 साल में अचीव क्या किया है. आप हर दफा कहते हैं अवाम दोस्त बजट है जनाबे वाला, ये कैसा अवाम दोस्त बजट है कि अभी तक इस सूबे में 18 लाख बच्चे जो है तालीम से महरूम है, और ना उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. जनाबे वाला ये कैसा अवामी बजट है जहां पर 18 लाख नौजवान जो है अभी तक बेरोजगारी का शिकार हैं, रोज यहां पर जो है हमारी असेंबलियों के सामने और हमारे प्रेस क्लबों के सामने हम उनके गले में जो है आग डालकर उनके बटन तोड़ते हैं, अपनी माओ बहनों के सर से चादर उठाते हैं, किसी को परमानेंट करने का झगड़ा है, किसी को निकालने का झगड़ा है. अगर ये कहां है मुझे जनाबे वाला बताएं, ये कैसा जनाबे वाला अवाम दोस्त बजट है जिस सूबे की आबादी 1,22,00,000 है, उसमें से 80 लाख लोग पीने के साफ पानी से महरूम है. ये कैसा अवाम दोस्त बजट है जहां पर अभी तक आप 80 लाख लोगों को पीने का साफ पानी फराहम नहीं कर सकते. ये कैसा बजट है जनाबे वाला अवाम दोस्त बजट है जो आपने पहले बनाए या अभी बनाने जा रहे हैं, जिसमें जनाबे वाला आपकी 14 लाख बलूचिस्तान की आबादी एपेटाइटिस ए बी सी और यरकान का शिकार है. ये जिंदा जलती पुरती हुई लाशें हैं, हर किसी को हाथ लगाओ, किसी लेबोरेटरी में ले जाओ, 1000 किस्म की बीमारी हर बलोचिस्तान के शख्स से निकलता है. आधा लाड़काना बलोचिस्तान के पैसे से चल रहा है, हमारे पैसों से. वहां हमारी सारी बसें मरीजों से भरकर जाती हैं, जो कराची बसें जाती हैं, जो सिंध को बसें जाती हैं, मैं अल्फिया कहूंगा कोई सयायत के लिए नहीं जाती, सयायत के लिए जाती तो फिर यहां से मेरे भाई दोस्त सदाबार कोच वालों की कोच जो है वो कागान जाते, नारायण जाते, गिलगित जाते, सवात जाते, सारे कोच जो है सिंध के जो छोटे छोटे शहरों में जाते हैं. कोई अपना गुर्दा निकाल रहा है, कोई अपना पित्ता निकाल रहा है, कोई अपना जिगर निकाल रहा है, पूरे आधा बलोचिस्तान जो है बीमारियों का शिकार है. ये कैसा बलोचिस्तान दोस्त बजट है कि आपके अस्पतालों में लोगों का ऑपरेशन तक नहीं हो सकता है. ये कैसा जनाबे वाला
कैसे कैसा आपका अवाम दोस्त बजट है कि जहां पर जनाबे वाला 70% बच्चियां आज मेरी बहन पढ़ लिख कर बैठी है, यहां इतनी बड़ी बन गई है। स्वलोसान की 70% बच्चियां हमारे हाथों मायूसी और बैरूमी का शिकार है कि उनके लिए गर्ल्स स्कूल तक मुहैया नहीं की जा सकती। 70% बलोस्तान की बच्चियां जो हमारे मुस्तकबिल की माएं हैं, हमारी आने वालों की नस्लों की तरबियत कर सकती हैं, जनाबे वाला 70% बलोस्तान की बच्चियां वो तालीम से महरूम है, स्कूल से बच्चियों की महरूम है। एक जनाबे वाला कैसा अवाम दोस्त बजट है जहां पर बलोचिस्तान के 98% नौजवान बशमूल हमारे में से किसी को भी बिताओ, जो दुनिया की जितनी नए गैजेट्स आए हैं, जितनी नई टेक्नोलॉजी आई है, जितने नए कंप्यूटर्स आए हैं, जितने नए या दुनिया में इजादात हो रहे हैं, इनमें से कसम खुदा की हम एक का भी इस्तेमाल नहीं जानते। हम में से तो अक्सर अपने इस माइक का बटन भी नहीं जानते कि सीधा वाला दबाना है उल्टा वाला दबाना है। इसकी ये बदकिस्मती सूबे में ये नहीं है कि हम सब जाहिल पैदा हुए हैं, ये इसलिए कि एक सूबा किसी दिन बैठ के ये मशवरा नहीं करता कि इस बलोचिस्तान के नौजवानों को उनरमंदी के मैदान में कहां ले जाना है। हमारे बच्चों का आने वाला जो मुकाबला वो अर्तुगरुल के घोड़े और तलवार से नहीं, दुनिया में टेक्नोलॉजी से है, ऐप से है, दुनिया में जो है जदीद जो है तालीब से है, उनरमंदी से है। हम लोगों को जो है अर्तुगरुल का ड्रामा दिखा के अभी तक कहते हैं कि शायद उनका हमारा मुकाबला तलवार और बंदूक से या घोड़ों से हो सकता है। ये सूबा जनाबे वाला किसी दिन भी बलोचिस्तान के नौजवानों की उनरमंदी स्किल डेवलपमेंट के हवाले से एक एक बतेमली नहीं बताई। 3 साल तक हमने मेहनत की, 3 साल तक यहां पर चीखते रहते हैं, गला बैठ गया हमारा, आंसू निकल आते हैं सूबे की आलत और हैसियत पर कि एक ऐसे कौम के अंदर पैदा हो गए हैं जहां पर हम बैठ बैठ के किसी और जगह पर खुदा जानता है जानवर के सामने भी 3 साल बात करते, वो भी थोड़ी देर बाद हमारी जो है जुबान बोलना शुरू कर देता था। लेकिन यहां के हुक्मरान एक सेकंड के लिए अपने मुफाद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने इलाकों के लिए तो कम अज कम हमारी तजावीज पर अमल दरामद करें। हमारे इलाकों को तो इन्होंने कॉलोनी समझा हुआ है, अपोजिशन के इलाके तो फलस्तीन है, अपोजिशन के इलाके तो कश्मीर है, अपोजिशन के इलाके तो यमन बने हुए हैं, वहां पर तो ये गुर्बत बेरोजगारी मनशियात जो है सरेआम फैलाना चाहते हैं ताकि कल जो है सना बलोच से लोग नाराज हो, क्योंकि गरीब लोग हैं। लोग तो क्या जानते हैं कि भाई सर हुकूमत नहीं करता, वो तो कहते हैं आपको एमपीए बना के भेजा है, आप लोग कुछ नहीं करते। उनको पता नहीं है कि पानी जो है कहीं और से मैला है। जनाबे वाला ये कैसा अवाम दोस्त बजट है आप मुझे बताएं, अल्फिया मुझे बताएं। मूसा खेल में रहते हैं बलोचिस्तान की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में यह रिपोर्ट है 2020 का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसमें पूरी स्ट्रेटजी दी गई है, बलोचिस्तान की सारी बीमारियों का बताया गया है। इसके तहत मूसा खेल का नंबर 99 पे आ रहा है, आज के आपके बाद अवारान है। दोनों स्पीकर साहबान के अजला तारीख बलोचिस्तान पाकिस्तान बल्कि दुनिया के बदतरीन और पसमानदा तरीन अजला में शुमार होते हैं। आप बताएं जनाबे वाला, आप मुझे बताएं कि आपके अजला में कितनी फीसद लोगों को बिजली मुयसर है। मैं अल्फिया बताऊंगा 10% लोगों को भी बिजली मुयसर नहीं होगी, मां सिवाय आपके टाउन में बाकी शायद की। जनाबे वाला ये कैसा आवाम दोस्त बजट है जब बलूचिस्तान की 70% आबादी अभी तक करूने वस्ता के दौर में रहता है और अभी तक चिराग और लालटेन जलाता हो। ये खुदा जो है उन लोगों को जो है उन पर रहमत करे जिन्होंने सोलर सिस्टम बनाया, थोड़ी बहुत लोग अभी तक जो है कुछ रोशनी वोशनी चल जाती है। जनाबे वाला ये कैसा आवाम दोस्त बजट है। हॉस्पिटल में इस फैजान की भी बात हो रही है, इस शहीद नौजवान की, मुझे इसकी लाश याद है। रमजान उल मुबारक का महीना था, अफतारी के बाद 10-10:30 बजे ये वाकया रूनमा हुआ। 10-10:30 बजे के बाद मैं और अख्तर हुसैन लांगव साहब जब वहां पर हॉस्पिटल में पहुंचे, सैकड़ों की तादाद में लोग जमा थे। हॉस्पिटल में जनाबे वाला किसी के लिए बैठने की जगह तो दूर की बात है, किसी लाश को रखने के लिए एक साबित स्ट्रेचर तक नहीं है। यह बलोचिस्तान का संडेमन प्रोविंशियल हॉस्पिटल है, संडेमन साहब बना के गया, संडेमन को नहीं था पता कि मेरे नाम के पीछे यहां पर मजबा खाना होगा, यहां पर हॉस्पिटल नहीं होगा या अस्पताल की सहूलत नहीं होगी। ये अस्पताल नहीं बनेगा, ये मजबा खाना बनेगा संडेमन के नाम पर। आज भी जाए संडेमन बहुत ही संजीदा आदमी था, हम पे हकीमत की उसने, इंपीरियलिस्ट था, साम्राज्य था, जो कुछ भी था। जनाबे वाला आप किस अवाम दोस्त बजट की बात करते हैं कि 5,000 के करीब बलोचिस्तान में स्कूलों की इमारतें नहीं हैं। आप कैसे अवाम दोस्त बजट की बात करते हैं जिसमें जनाबे वाला सालाना 10,000 के करीब अफराद आप सिर्फ छोड़ें, ये तकरीबन 3 से 4 महीने में, इस साल के पहले 3 से 4 महीने में
इस वक्त 350-375 के करीब लोग जो हैं शहरों में सड़कों पर जो हैं वो लुक्मे अजल बन गए हैं। आज साथ में आज तक हुकूमत ने बैठ के जी अगर फेडरल गवर्नमेंट्स को ड्यूलाइजेशन नहीं करता, शाराएं नहीं बनाता, हमारे पास 450 अरब का बजट है, हम इसको कैसे रीअप्रोप्रिएट करें, अखराजात कम करें, डेवलपमेंट के साइड में अगर 40 अरब हैं, 50 हैं, 60 हैं, लोगों की तनख्वाहें दूसरे चीज़ों में इधर उधर एडजस्टमेंट करके कैसे अपनी दो चार महफूज सड़कें बनाएं। कम से कम तीन भाई जनाबे वाला पशीन के ईद मनाने आ रहे थे, उनके माँ बाप बहन भाइयों को क्या था पता कि खूनी शारा पर ईद मनाने की बजाय तीन लाशें, तीन जनाजे, तीन कब्रें जो है एक साथ बनेंगी। तीन भाई, ये कहाँ से होता है जनाबे वाला? ये हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों की वजह से। खुदावंद तबारक ताला ने एक घर में एक माँ को, एक बाप को एक दिन में तीन लाशें देने का कभी भी कहीं भी कोई भी सोच नहीं सकता। ये हम इंसान अपने लोगों को खुद लुक्मा अजल बनाते हैं अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से। जनाबे वाला सर, मैं आवाज देखें, एजेंडा है, मैं आपको बताऊं जनाब स्पीकर साहब, ये कैसा अवाम दोस्त बजट है कि जिसमें 70,000 के करीब बलोचिस्तान में माजूर एड़िया रगड़ रगड़ कर, जिनको अद्वियात मुयसर नहीं, कपड़े मुयसर नहीं, जूते मुयसर नहीं, रेडी और स्ट्रेचर मुयसर नहीं, वो क्या कहते हैं कि अंत पारत यार, जो माजूरों के लिए ट्रॉलियां होती हैं वो व्हील चेयर तक अगर उनको मुयसर नहीं, तो जनाबे वाला 70,000 के करीब कम अज कम आप हम जैसे लोगों को, तो चलते फिरते वालों को तो आप लोगों ने वैसे ही नहीं देखते, कम से कम 70,000 माजूर अफराद को जो है आप कम से कम एक सोशल सपोर्ट स्कीम नहीं बना सकते? ये कैसे अवाम दोस्त आपका बजट हो सकता है? ये कैसा अवाम दोस्त बजट है? अबीब नाले की डॉक्यूमेंट्री कल परसों इंटरनेशनल मीडिया पे चला है, ये मुझसे और आपसे एक पत्थर फेंक दें, आप यहां से एक पत्थर फेंके वो अबीब नाले में जाके गिरेगा। जिस सूबे में 5 लाख खूबसूरत नौजवान अपने माँ बाप और आंख का तारा, जहां पर रोज बलूचिस्तान के बुलेदा से लेकर खरान से लेकर हर जगह मनशियात के खिलाफ रैलियां निकलती हैं, ग्वादर और मकरान में 5 लाख नौजवान जहां मनशियात का शिकार हो, और हर गुजरते दिन के साथ हजारों मनशियात के फरोशों की और मनशियात इस्तेमाल करने वालों में इजाफा हो, यह कौन सा अवाम दोस्त बजट है? मैं इसलिए गिना रहा हूं जनाबे वाला कि मुझे वो एक रिजल्ट बता दें पिछली बजट का कि वो उन्होंने हमारी मर्जी से नहीं बनाया। आप हमें एक रिजल्ट बता दें, मैं अल्फिया कहूंगा आइंदा इजलास में आना हम छोड़ देंगे कि आप लोगों ने जो बजट बनाया था उससे आपने ये चीजें टैकल कर ली। जनाबे वाला, सबसे बड़ा हमारे माथे पे दाग, ये कैसा अवाम दोस्त बजट है? हम कहां लोगों को जाके बताएं, अपने पाकिस्तान में बाकी तीन सूबों में कहां जाके बैठ के बताएं कि बैन अल-अक़वामी सतह पर इन रिपोर्ट लिखने वालों को बताएं कि आपने गलत लिखा है, इस रिपोर्ट में शामिल है। ये कैसा जनाबे वाला अवाम दोस्त बजट है जहां पर आपके सूबे के 62% बच्चे गजाई किल्लत यानी नीम भूख जिसको कहते हैं, यानी लंगड़ी ना शिकार हो, भूख का शिकार हो, आपकी 62% बच्चे ये जो स्टंट रहते हैं, कद छोटे होते हैं, तालीम हासिल नहीं कर सकते, पागल हो जाते हैं, मनशियात का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, फिर बदमनी की तरफ चले जाते हैं, ये कहां से होते हैं? ये इसलिए जनाबे वाला आप अगर जानवर के बच्चे को भी खुराक ना दें वो भी जनाबे वाला आपको एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं दे सकता। तो आपके 5 लाख बच्चे बलूचिस्तान में गजाई किल्लत का शिकार है, कहां है आपकी बजट और स्ट्रेटजी पेपर? जनाबे वाला, ये कैसे अवाम दोस्त बजट है जिसमें 5 लाख के करीब जमींदार खुशहाली, महंगाई, खाद की महंगाई, बिजली की अदम फरहमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की अदम दस्तियाबी की वजह से, रोड और सड़कों की वजह से खुदकुशियों पर मजबूर हो गए हैं। पहले हम सुनते थे बाहर मुल्कों में जमींदार खुदकुशियां कर रहे हैं, मैं जिस जमींदार से मिलता हूं ईमानदारी से सफेद पोश जमींदार, वो अपने घर से नहीं निकल सकता, वो कहता है कि मैं सिर्फ रोजी रोटी के लिए और एक जनाबे वाला बोर से या एक ट्यूबवेल से या एक काश्तकार से, जमींदार से जनाबे वाला 20-25 घराने रोटी रोजी खाते हैं, सूबाई हुकूमत आज तक रोजगार नहीं दे सकता। ये कैसा अवाम दोस्त बजट है कि आप खाद की कीमतें कम नहीं ला सके, आप अद्वियात फराम नहीं कर सके, आप बिजली फराम नहीं कर सके? जनाबे वाला, ये कैसा अवाम दोस्त बजट है कि ईरान की सरहद पर और यहां पर अफगानिस्तान की सरहद पर आपके तकरीबन 8 लाख के करीब नौजवान वो बॉर्डर पर जो है भूख और प्यास में जानवरों की सी जिंदगी गुजार रहे हैं, जो यहां पर बुनियादी तिजारत करते थे, आपने तिजारत का खात्मा करके तिजारत और सारी जमीनें बंद कर दी उनके लिए,
रोजी और रोजगार का सब दरवाजा बंद कर दिया। 8 लाख नौजवान जो 10,000 के करीब जम्बाद गाड़ी को कहते हैं, जमियाद ईरानियन में कहते हैं उनको, जमियाद गाड़ी जो उन्होंने खरीदी थी जनाबे वाला, आज वो नौजवान, मैं आपको अल्फिया कहता हूं, सब के सब डिप्रेशन का शिकार है। कोई आके मुझे कह रहा है कि मैं गुलेल उठा के पहाड़ पे जाऊंगा, कोई बंदूक उठा के पहाड़ पे जाने की बात करता है, कोई लाठी उठा के मेरे और जहूर के सर पर देने की बात, मारने की बात करता है। ये नौजवान करेंगे क्या? तालीम आपने नहीं दी, स्कूल आप नहीं देते हैं, सनत कारखाने आपने नहीं बनाए, बिजली का निजाम बलूचिस्तान में आपने मुतारिफ नहीं करवाया, उनकी छोटी मोटी सरहद से तिजारत है उसको भी आपने बंद कर दिया। ऐसे लग रहा है जैसे खुदा ना खास्ता ये, ऐसे लगता है जैसे ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम करते हैं, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। सारी जमा पूंजी एक जनाबे वाला 8 से 10 अपने भेड़ बकरियां बेच के वो इन्होंने ये कारोबार शुरू किया है। आज उन पे इस तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं कि वो साहब आपका टाइम सर मैं आखिर में आ रहा हूं जनाबे वाला। कोई भी बजट इसलिए बनाया जाता है, ये कैसे अवाम दोस्त बजट है? ये रिपोर्ट है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान की जो शरह नमू है जिसको कहते हैं डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ, ये पूरी रिपोर्ट है। ये किसमें से एक, मैं सनाउल्ला बलोच इसका एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर था और वो भी जो बलूचिस्तान के हवाले से रिपोर्ट थी उसमें भी मैं शामिल नहीं था, इसलिए कि मैंने कहा कि सारे बाकी जनाबे वाला बाहर के लोगों ने यह बनाया है, हफीज पाशा साहब जैसे वर्ल्ड क्लास ऑथर ने इसको बनाया है। इसमें जनाबे वाला बलूचिस्तान अपना चेहरा और अपना माथा अपना गरेबान इसमें देख सकते हैं। इसमें जनाबे वाला लिखा हुआ है कि माँ सिवाय बलूचिस्तान के पाकिस्तान के तमाम सूबों में शरह नमू, इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। जो बार बार मैं कहता हूं खैबर पख्तूनख्वा का सूबा पाकिस्तान की 12% आबादी है, लेकिन उनरमंदी, अच्छी तालीम, अच्छी हिकमत अमली, अच्छे बजट, अच्छे इंटरवेंशन की वजह से आज वहां की जो रेमिटेंसेस हैं यानी बैरून पाकिस्तान से जो पैसे भेजे जाते हैं वो 22% है। इसलिए कि उनकी आधी जो है नौजवानों की आबादी वो अच्छी तालीम हासिल करके बैरून मुल्क जाके अच्छा रोजगार करते हैं। आप तो उनको रोजगार दे नहीं सकते। आपने किसी दिन हमारे साथ बैठा है कि हम अपने नौजवानों के लिए क्या बनाएं? कागज के टुकड़े हाथ में, आपके लैपटॉप अपने सामने रख के आप लोग जो है एडिट करके सुबह से शाम तक सीमट सरिया की स्कीमें डाल के आप हमारे लोगों को सरिया और सीमट के लाएं। आप 2-4 और कारखाने लगवा के लोगों को कहें आटे की बजाय सीमट गूंदे और उसकी रोटियां बना के खाएं। ये फिर इस तरह बलूचिस्तान तरक्की करेगा। आपने बलूचिस्तान को मजाक बनाया। ये पैसा अवाम का है। मैं और जवीर तो 2 वक्त की रोटी भी अपने घर में नहीं खा सकते। ये टैक्स का पैसा है। ये गरीब चीनी खरीदते हैं टैक्स देते हैं, तंबाकू खरीदते हैं टैक्स देते हैं, तेल खरीदते हैं टैक्स देते हैं, शनाख्ती कार्ड बनाते देते हैं फीस देते हैं। ये उसका पैसा जमा होके पीएसडीपी की शक्ल में बनता है। ये उनका पैसा है, उनको वापस मिलना चाहिए था, लेकिन हमारी और आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से ये सारा पैसा जनाबे वाला यहां पर गलत स्कीमात की नजर होता जा रहा है। जनाबे वाला ये कैसा अवाम दोस्त बजट है जहां पर लोग अमन एतमाद और सुकून से रहते। ये कैसा अवाम दोस्त बजट है जहां पर 70 अरब रुपए खर्च करने के बावजूद बलूचिस्तान में हर दूसरे दिन लाशें गिर रही हैं। हर दूसरे दिन चौराहे पर अफ्तार के वक्त, अफ्तार के बाद सरीना होटल में, आपके कोस्टल एरिया में आपने बदमनी इतनी बढ़ा दी है। ये कैसा अवाम दोस्त बजट है? शुक्रिया सर, मैं जनाब 3-4 टाइम पूरा हो गया। बिल्कुल सर, मैं सिर्फ आखिर में कुछ तजावीज भी देना चाहता हूँ। मैंने उनको तजावीज मेरे ख्याल से मानेंगे नहीं, आप मानेंगे नहीं, आप भी ये बात मानते हैं कि ये मानेंगे नहीं। खुदा इनको हिदायत करे, खुदा इनको हिदायत करे, मेरे लिए नहीं बलूचिस्तान के गरीब अवाम के लिए। जनाबे वाला ये पीएसडीपी पड़ी हुई है, खारान से इनकी बड़ी दुश्मनी है। एक पहला स्कीम जो इरीगेशन का था अभी तक आज तक इसलिए मंजूर नहीं किया। खुदा रसूल को माने, आपसे आखिरत में पूछा जाएगा, इसलिए नहीं पूछा जाएगा कि वहां पर मुंतखब नुमाइंदा अपोजिशन से था इसलिए हमने उसको नहीं दिया। वहां के 1,50,000-60,000 की आबादी की स्कीमें आप रोक रोक कर क्या पैगाम देना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि लोग कल मेरे खिलाफ बगावत करें? नहीं जनाबे वाला, ये आपकी गलत फहमी है। लोगों में यह शऊर है, आज बलूचिस्तान की अगर तरक्की का पहिया रुक गया है तो गलत पॉलिसियों की वजह से रुक गया है। आज बलूचिस्तान में बदमनी बढ़ी है तो गलत पॉलिसियों की वजह से बढ़ी है। आज बलूचिस्तान में मनशियात बढ़ा है, गलत पॉलिसियों की वजह से बढ़ा है। आज इस्लामाबाद के खिलाफ नफरत बढ़ी है, बलूचिस्तान की गलत पॉलिसियों की वजह से बढ़ा है। आज बलूचिस्तान का नौजवान दोबारा हाथ में लाठी उठाने की बात करता है, आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से बना है। जो लोग भी बलूचिस्तान की इन पॉलिसियों में शरीक हैं उनको ये सोचना होगा, उनको यह सोचना होगा कि बजट कोई मामूली चीज नहीं होती। अभी तक टाइम है, 15 से 20 दिन है, 25 दिन है। अगर जिस तरह मलिक साहब ने कहा
कि जो प्री बजट 115A के तहत प्री बजट डिस्कशन आप यहां पर ले आएं। आप ये जो सारे मर्ज मैंने बलूचिस्तान के बताए हैं, आप हमें बताएं कि आपने इनको हल करने के लिए ये पैसा उधर लगा रहे हैं। मैं आपको अल्फिया बताऊंगा, हम अपने घर के लिए अपनी जात के लिए तो नहीं मांग रहे। आप लोग तो फिर भी गाड़ियां खरीद के बैठ रहे हो उसमें। अपोजिशन को तो गाड़ियां खरीद के नहीं दी हैं आपने। हमें तो आपकी तेल नहीं मिलती, हमें तो आपकी जो है सब्सिडीज नहीं मिलती। हम तो अपनी जिंदगी अपनी गरीबी में गुजारा कर रहे हैं, लेकिन कम अज कम बलूचिस्तान के अवाम का जो पैसा है, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान का इस्तेकाम। आज जिस फलस्तीन और कश्मीर की हम बात करते हैं रोज, हर बार 5 फरवरी को कश्मीर के लिए जहूर साहब भी इतना सा बड़ा झंडा उठा के ऐसे जाते हैं, आपको पता है वहां पर कितने लोगों को बिजली फराम है? जनाबे वाला, कश्मीर में तालीम की शरह 87% है। कश्मीर में बिजली लोगों को 22 घंटे, जो शहरों में 24 घंटे, कुछ देहातों में 22 घंटे अवेलेबल है। जनाबे वाला, आप कम अज कम थोड़ी देर के लिए हमसे बाकी दुश्मनी आपकी सही, कश्मीर जितनी बिजली तो हमें दे दें, कश्मीरियों जितनी तालीम तो हमें दे दें जो इंडिया उनको दे रहा है, आप फलस्तीन जितनी तालीम हमें दे दें जो इसराइल दे रहा है। 100% 99.9% तालीम की शराह फलस्तीन में, तालीम अच्छी, रिहायश की, बिजली की फरामी की, बाकी झगड़ा उनके जमीन का है, उनकी अकबियत का है, उनकी इज्जत का है, उनके मुकद्दस जगहों का है। लेकिन बलोचिस्तान में जनाबे वाला, आपने मुकद्दस जगह तो अपनी जगह, ये अशरफुल मखलूकात और मुकद्दस इंसानों को जो है वो आप अशरतुल अर्ज भी नहीं समझते, आप इनको जानवर भी नहीं समझते, उनके खिलाफ पॉलिसियां नहीं बनाते। जनाबे स्पीकर, मोहतरम स्पीकर साहब, मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूं, लेकिन मैं आपसे एक रूलिंग जरूर चाहूंगा। अबने और मलिक साहब ने इसकी तरफ इशारा कर दिया, रूल्स ऑफ प्रोसीजर के 115A के तहत ये इन्होंने नहीं किया है। ये आपके इस हाउस की वक्त, इसकी हैसियत और इसके कवायद जवाबित की खिलाफ वर्जी है। अगर आप इस पर नोटिस लेंगे सरांकों पर, आप नोटिस नहीं लेंगे, हम तमाम अराकीन अभी आपको एक प्रिविलेज मोशन तहरीक इस्तेकाक जमा करते हैं, ताकि हुकूमत के खिलाफ और हुकूमती अराकीन के खिलाफ, और ताकि वो जो है वो कम अज कम इस पे जो है अमल दरामद को यकीनी बनाए। और बजट जो है तो मुझे, मैं इसी उम्मीद के साथ जहूर साहब कि आप जो है बलूचिस्तान को बलूचिस्तान समझेंगे, इसको कब्रिस्तान में, इसको जो है मसाइलिस्तान में, इसको जो है और जो क्या कहते हैं गरीबिस्तान में, इसको नखलिस्तान में और इसको सहरास्तान में तब्दील करने की बजाय बलूचिस्तान रहने देने में अपना किरदार अदा करेंगे। शुक्रिया जनाब स्पीकर जी। जरूर बुलेदी साहब।